ये बात है सन 1665 की। इंग्लैंड में फैली महामारी की वजह से बड़े पैमाने पर लोग मर रहे थे। महामारी से बचने के लिए छात्र आइजैक न्यूटन शहर से भाग निकले। अच्छा हुआ कि उन्होंने शहर छोड़ दिया, क्योंकि न्यूटन की सोच बिल्कुल अलग थी और उन्होंने ब्रह्मांड को बिल्कुल नए नजरिए से देखा था। न्यूटन ने उस ग्रैंड डिजाइन की तलाश शुरू की थी उन रहस्यमय नियमों की खोज से जिनसे कुदरत चलती है। उनके सवाल थे, चीजें चलती क्यों हैं? वो रुकती क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, वो जमीन पर ही क्यों गिरती है? आपको शायद ये लगे कि इन सवालों के जवाब जानकर भला दुनिया कैसे बदलेगी, मगर दुनिया बदली थी, क्योंकि न्यूटन ने पता लगाया कि ब्रह्मांड के ताने बाने के अंदर एक बल तो है जिससे हर चीज एक दूसरे की ओर खींचती है। वो बल था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में काम करता है और उसकी ताकत कुछ बुनियादी चीजों पर निर्भर करती है। वो है उन चीजों का भार और उनकी एक दूसरे से दूरी। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए न्यूटन ने गणित की एक बिल्कुल नई भाषा बनाई जिसे नाम दिया कैलकुलस। ये जानना जरूरी नहीं है कि वो कैसे काम करता है, मगर 23 साल के युवक के लिए ये एक बड़ी अहम खोज थी। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन की कोशिशों की वजह से आज हम हर चीज का पता लगा सकते हैं। तारों के चारों ओर घूमते ग्रह हों, या ग्रहण का सही वक्त हो, या फिर बारिश की बूंदों की दिशा,